वाहन चेकिंग के दौरान भानपुरा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा पकड़ा। नवागत पुलिस अधीक्षक हितेश चौधरी के आदेश अनुसार चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के अंतर्गत पुलिस टीम को लगातार सफलता प्राप्त हो रही है। 2 जुलाई को मंदसौर जिले के भानपुरा थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान हुंडई वर्ना कार से 4 कट्टों में 70 किलो अवैध डोडा चूरा कीमत 1,40,000 रुपए विधिवत जब्त किया है। साथ ही कार से 2 आरोपी सुखराम विश्नोई सुनील विश्नोई को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुष्कर बैरागी निवासी रावटी थाना सीतामऊ जिला मंदसौर से मादक पदार्थ लाना बताया है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। जो मादक पदार्थ जो आपने पकड़ा है, कैसे पकड़ा और कब पकड़ा? ये कल रात में जो है वाहन चेकिंग थाने के सामने ही मैं अपनी फोर्स के साथ कर रहा था, तो करीबन 11 बजे एक अपने भानपुरा कस्बे की तरफ से एक सिल्वर कलर की हुंडई वर्ना कार स्पीड में आते हुई दिखी, तो उसे हमने रोका और जो उसमें बैठे हुए चालक और एक उसके बगल में था जो कंडक्टर दूसरी सीट पे बैठा हुआ था वो ड्राइवर, उन्होंने कार रोकी और साइड में खड़ी करके वो भागने का प्रयास करने लगे, तो हमने उन्हें पकड़ा और फिर उनसे पूछताछ की। हमने उसमें देखा तलाशी भी कार की, तो उसमें 70 kg करीब डोडा चूरा रखा हुआ था। सर आरोपी के नाम क्या है? आरोपी का नाम है, पहला आरोपी है जो ड्राइवर था चालक सुखराम पिता जगदीश राम बिश्नोई, ये श्री लक्ष्मण नगर तहसील फलोदी के रहने वाले हैं जोधपुर के पास। सर ये जो माल पकड़ा है कहाँ से लाए ले जाए रहे? ये अभी जो पूछताछ शुरुआती पूछताछ हुई है इसमें कोई पुष्कर बैरागी करके ये रावटी पड़ता है यहाँ सीतामऊ थाने के पास में, वहाँ का बताया उससे लेकर आए हैं। और माल को कहाँ पे ले जाए? ये माल लेके जा रहे थे ये अपने घर राजस्थान जोधपुर, तो ये अपने घर से ही बेचता है। सर ये कौन से धारा में पंजीयत हुआ? ये 8-15 NDBS में।